भारतीय जनता पार्टी तीन दिग्गज है, एक तरफ रविंद्र राणा जी, बीच में है हमेशा मुस्कुराने वाले रविंद्र राणा जी, और एक तरफ जो अभी अभी हाल ही जीत का परचम लहराया है जुगल किशोर शर्मा जी। चलिए तीसरी बार बिल्कुल, और अहम फैसला लिया गया जो इनकी सबकी सहयोग से सहमति से और बड़े ही प्रयासों के बाद जो हमारी केंद्र है, केंद्र में जाकर इन्होंने जम्मूवासियों की बात रखी जो शहर को दो हिस्सों में बांटने का काम कर रहे थे, अल्टीमेटली जीत हुई है। ये निर्णय लिया गया कि अब वहां पर यानी कि वॉल नहीं बनी जाएगी, शहर को दो हिस्सों में नहीं बांटा जाएगा बल्कि पिल्लर बनाए जाएंगे ताकि वहां के व्यापारियों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और साथ ही साथ लोग बटे ना। चलिए समय हमारे साथ रविंद्र राणा जी, सर बड़े खुश हो, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? मैं हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब को मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब का, श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब का धन्यवाद, और जो हमारे साथी यहाँ जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं उन सब का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और दिल से धन्यवाद करता हूँ श्रीमान नितिन गडकरी साहब का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का। एक बहुत बड़ा विषय जो कि यहाँ फ्लाईओवर को लेके जिसमें शहर के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी, जो कि फ्लाईओवर के साथ साथ वॉल्स जो दीवार